हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेट फॉर ऑल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हम आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1, टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले आप यहाँ पे गिवन लिखेंगे, गिवन। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, दो नंबर है। ठीक है, दो नंबर में यहाँ पे कंपैरिजन की गई है। सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, टू नंबर्स डिफर बाय 3। ठीक है, मतलब जो भी दो नंबर रहेंगे उसका डिफरेंस कितना है, 3 का है। तो सबसे पहले हमें वो दो नंबर अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट। अब वो दो नंबर को एक नंबर, दो नंबर में से एक नंबर क्या रहेगा, छोटा, और एक नंबर बड़ा। तो यहां पे हम लिखेंगे लेट एक्स बी द ग्रेटर नंबर एंड वाई बी द स्मॉलर नंबर। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, According to first condition बोलो या फिर statement। ठीक है, तो first statement में क्या दिया है, two numbers differ by 3। तो यहां पे हम लिखेंगे x minus y is equal to 3। ठीक है, greater number minus smaller number is equal to 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी आपको जो सेकंड इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा आपको सेकंड स्टेटमेंट से। तो हम आगे पढ़ेंगे, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। तो यहां पे क्या बोला गया है, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, सम ऑफ, सम मतलब क्या होता है, एडिशन, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर दैट इज वाई, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर क्या था, x, और इसका सम कितना दिया है हमें, 19। ओके, तो इस तरह से हमारे पास में है सेकंड कंडीशन आ जाती है। ओके, थोड़ा इसको रीअरेंज करके हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे क्या करना होता है, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में x और y का एक कोएफिशिएंट सेम करना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 इन इक्वेशन 1 में, एंड इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट कितना है, 3। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट क्या है, -1, और इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट है +2। मतलब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, ना x का है ना y का है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, वी गेट। तो इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय वाई इज इक्वल टू 3 3 9। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अभी यहां पे हमें करना है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को हम लिखेंगे ऊपर, सो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। इक्वेशन 2 से हमें इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अभी इसके नीचे लिखेंगे हम इक्वेशन 3, दैट इज 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और इसे हमें करना है सब्ट्रैक्ट। जब कभी आप सब्ट्रैक्ट करते हो कोई इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन, तो जो इक्वेशन आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके साइन चेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, माइनस है तो इसका हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे है प्लस तो इसका लिखेंगे हम माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 3x माइनस 3x गेट कैंसल,
अभी आपने कंसिडर करना है ये माइनस साइन, प्लस साइन कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज हमें ये क्या करना है, यहाँ से इसको हटाना है, मतलब x की टर्म जो भी है इसे हमें निगलेक्ट करना है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देन प्लस टू वाई प्लस थ्री वाई, माइनस नहीं लेना है, प्लस टू वाई प्लस थ्री वाई दैट इज फाइव वाई इज इक्वल टू 19 माइनस नाइन दैट इज 10, देयरफोर y इज इक्वल टू कितना, तो y इज इक्वल टू आएगा 2, ठीक है। अब हमारे पास में y इज इक्वल टू जो 2 आया है उसे हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, तो यहां पे पुट करो, सो पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो y की जगह पे हमें पुट करना है 2 को, सो x माइनस टू इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 माइनस, राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो यहां पे लिखेंगे हम प्लस 2, सो x इज इक्वल टू 5, ठीक है, 3 प्लस 2 इज 5, तो इस तरह से हमारे पास में वो नंबर आता है 5 एंड 2, ठीक है।